हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी मस्त हूँ। तो चलो, स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो चलो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो मैं ये बताना चाहूँगी, ये जो ब्लॉग है मैं किन्नौर कैलाश गई थी उसका आखिरी ब्लॉग है, जो मैं वहाँ से वापस आते हुए बनाया था मैंने। तो वो तो काफ़ी टाइम हो गया है उसको बनाए हुए और डाले हुए, क्योंकि दो ब्लॉग तो आप लोगों ने देख लिया होगा। तो कैलाश तक पहुँचने का, क्योंकि जाते हुए अंधेरा था, मैं पूरा ढंग से बना नहीं पाई थी, क्योंकि आधा रास्ता मैं आप लोग को दिखाई नहीं पाई थी क्योंकि अंधेरा था। इस वजह से मैंने सोचा कि एक और ब्लॉग डाल दूँ। तो ये मेरा ये ब्लॉग डालने का मकसद ये है। मैंने वापस आते हुए थोड़े से वीडियोज़ बनाए हैं रास्ते भरों का। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं ये ब्लॉग डाल दूँ आप लोगों को, कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि रास्ता कैसा है, क्या है। क्योंकि अगर आप लोग कोई इच्छुक होंगे कैलाश यात्रा करने के लिए, तो उनको पता होना चाहिए कि रास्ता बुरी क्या है, कैसा है। वो पहले से अपने आपको मेंटली प्रिपेयर करके तब जाके वो आ सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ। तो आशा करूँगी कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो चलो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। हम निकल रहे हैं यहाँ से नीचे घर की और वापस जा रहे हैं यहाँ से, ये देखो। चलो चलते हैं वापस। जैसा भी रहता है मैं आप लोग को दिखाती रहूँगी, बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। मुझे उधर से जाना है। अपने वो रेस नहीं मानना है। लखनऊ वाली बहन जी आप पहुंच गए। हमारी बहनें भी पहुंच गए। कैसे थक गए? बहुत। चलो कोई बात नहीं, दर्शन हो गए। ये चम मार के कौन इतना जोर से चम किसे मारा? तो ये चल पड़े हैं नीचे की और धुंध है अभी। तो दोस्तों मैं अब नीचे जाके मिलूंगी, क्योंकि यहाँ से ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रास्ता बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है। तो मैं नीचे पहुँच के बनाती हूँ, जहाँ पे रास्ता ठीक और साफ होगा। तो बने रहिए, मेरे सिद्धि वगैरह पूजा कर रहे हैं। जाना आपने? हाँ, जूते लाई हुई मैं। तो मुझे बुला दीदी ने। हाँ गई दीदी, लेट लेट। और नीचे से आ ही रहे हैं ना? नीचे से आ ही रहे हैं। तो अब ब्लॉगर साहब हो गए दर्शन? हाँ जी, हो गया दर्शन। अभी जा रहे हो क्यों? हाँ, बस पहुंच गए आप। 10 मिनट आराम से जाना, ठीक है? आराम से जाएंगे। जय बोले, जय बोले। आपका पेज किस नाम से है? यूट्यूब में चैनल है वित्यांजु। वित्यांजु, वित्यांजु अंजु ब्लॉग समझे। बस यही है, पहुंच गए। हम भी भगवान लो। हाँ, भगवान दर्शन लेने भी हम भगवान लो। हेलो, अरे कबूर से फिर यार हम सीख रहे हैं, उंगलियां दे रहे पकड़ने को। बस पांच मिनट, मम्मी मावा बादल है। मम्मी चली आई थी। मम्मी बारिश करने को। मम्मी ने अभी पता नहीं कहाँ आना है। क्या हो गया? ओ, 2 बजे।
एक गुफा हमने पहले देखा, तो हम तो आते हुए एक ही गुफा मिला हमारे को। अब मैं ये तो हमने एक ही गुफा देखा, पर अभी यहाँ पे जाते हुए एक और गुफा मिला हमारे को। देखो ये टाइप है। मैं 7:15 बजे पहुँच गई भैया। नहीं पर मुझे बहुत ऐसे मतलब थकी मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं था मेरा भी, मेरा कोई मुश्किल हो रहा था, बहुत डेंजर रास्ता, तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर। हर हर बोले बोलते जाओ तब सकेंगे आप लोग। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चुगाम चले, चुगाम च, हाँ, चुगाल पियोसा क्या गया ले? हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस आप पहुंच गए हो, बस थोड़ी है। रस्सी पकड़ के जाना, रस्सी वाला तो ऊपर है, ऊपर कोई नहीं, जल्दी हाइट है, बस हाइट चढ़ो। देखी थी आपको, याद था पैरों की लावट नहीं देखी। कहाँ से आप दोनों? कौन प्यू से आप दोनों? मुझे दिखा है स्माइल होटल में, तो आप लोग स्माइल वाले हो? स्माइल होटल तो नीचे दाखो में, वहाँ खोगी भी नहीं दाखो। अच्छा स्माइल होटल वाले, मैं भी कौन प्यू की हूँ, पहचानते हो मुझे है ना? सबको जानते हो, आप भी जानते हो मुझे? अरे वाह देखा है। अच्छा ओके, जय बोले। कहाँ से आए? पठानकोट से। एक घंटे में पहुँच जाओगे आप लोग है ना, आराम आराम से जाना, मजे मजे से ना, ध्यान देते हुए जाना, पहुँच जाओगे। एक घंटा लगेगा? एक घंटा। हाँ जी जय बोले, मजे से जाओ, मजे मजे से ना पहुँच जाओगे आप लोग एक घंटे में। एक घंटे का रास्ता है, तीन घंटा नहीं लगेगा, एक घंटा। आप लोग अगर एक ही रफ्तार में चलते रहोगे ना पहुंच जाओगे एक घंटे में। हाँ जी चढ़ने में भी उतरने में भी, हाँ जी हिमाचल से ही ना
हमारी कैपेसिटी नहीं है भाई। बहुत हमारे तो कभी कभी जूतों के आर पार भी अंदर लग जाऊं जी, जूतों के आर पार भी अंदर छुप जाऊं मैं तो। मान गए जय शंकर, जय शंकर। व्लॉग बना रहे हो आप? कोशिश तो है, पता नहीं बनता है कि नहीं बनता है। ऐसे बनता है, डालोगे यूट्यूब पे? परमानेंट हाथ में रहता फोन, व्लॉगर होगे। आज बारिश हो गई, मैं कुछ भी डालती हूँ। ठीक है जी, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ मिक्स। जय बोले, जय बोले, जय बोले। पब्लिक आ रही है अभी, तसल्ली तो पकड़ ले। तसल्ली तो है भाई, ऊपर तक पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे, पहुंचेंगे। इतना तक बाबा तो बाबा बुला लिए तो अब वो भी फर्स्ट टाइम में इतने दूर। कहाँ से आए आप लोग? यूपी से? मैं झारखंड से हूँ। आप झारखंड से? मैं गुजरात से। यूपी से हम? गुजरात। आप यूपी से? गाजियाबाद से। अच्छा, झारखंड जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं। इतने दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन के लिए किन्नौर कैलाश के। ये देखो, आ जाओ बोले, आ जाओ भाई जी, चढ़ गए जल्दी से। कहाँ से आए भैया जी? गुजरात से। देखो कितने दूर दूर से आए दर्शन के लिए, बहुत ज्यादा श्रद्धा है आप लोगों में। हो जाएगा जरूर, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ तक चढ़े तो बस एक घंटे का रास्ता है। हम लोकल है, ठीक है। दिल्ली से आ रहे हैं, ये देखो कितनी श्रद्धा से है भैया। राजस्थान से। जय भोलेनाथ की। जय भोले की। कैसा लगा सफर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। बाबा बुला रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। आप कहाँ से हो? मैं तो यहीं की हूँ लोकल। जय भोले। कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से आए? पंजाब से। आप लोग बहुत श्रद्धा है आप लोगों में, इतने दूर दूर से आ रहे हो, इतनी पहाड़ी, इतने प्लेन इलाके से ऐसे पहाड़ियाँ चढ़ रहे हो। बहुत डिफिकल्ट है। चलो इतना चढ़ लिया, आप थोड़ी बच्चा है चढ़ लोगे। अब कितना कर आएगा? एक घंटा ना ला, एक घंटा लगभग, एक घंटा, एक घंटा, पौना घंटा मान के चल सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे रास्तों में ये मिलता है, इसको बोलते हैं लस्कर। कितना सुंदर फूल है, देख सकते हैं आप लोग, ये यहाँ के पहाड़ी में मिलता है। और इसको तोड़ना बिल्कुल ही वर्जित है, बिल्कुल मना है। तो कृपया करके कोई भी इस फूल को हाथ ना लगाएं। पर मैं वीडियो बना रही हूँ, कितना सुंदर है। देख जाके है ब्रह्म कमल, तो मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ ब्रह्म कमल। यहाँ देखो कितना सुंदर है, ये देखो, मैं दूर से ही वीडियो बनाती हूँ। ये देख सकते हैं हम लोग, कितना सुंदर है। पर इसको तोड़ना बिल्कुल ही मना है। तो यहाँ पे सिर्फ फ्लेज के टाइम में हमारे देवता जी वगैरह के लिए निकाला जाता है, ये देखो। तो मुझे लगा आप लोग को वीडियो में दिखाती हूँ, तो मैं दिखा, ये देखो, ये देख सकते हैं आप लोग। और साथ में ये सुंदर सुंदर से फूल भी है यहाँ पर, देखो, देख सकते हैं हम लोग। कोई कोई आप खड़े करके नहीं आया यार, आगे बैठते हैं। कौन है आपके साथ भैया? शामला नचोर का ठंडी जय बोले की बोलते जाओ, ठंडी लगेगी।
कहाँ से आए आप लोग? वही जो कल मिले थे आपको। कहाँ मिले थे? चोटी पे मिले थे। अच्छा, चंडीगढ़ वाले? अच्छा, चंडीगढ़ से। ओके, जा गए हैं गुफा के पास पहुँचने वाले, पर बारिश ने हमारी हालत खराब कर दी। ये देख सकते हैं आप लोग कितना धुंध ही धुंध है। अब हम उतर गए हैं गुफा से नीचे, और ये आगे जाके ये जो नाला दिख रहा है इसको क्रॉस करना है। तो मैं रात को अंधेरे में आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी। मेरी हालत देख सकते हैं आप लोग, इतनी बुरी हालत हो रही है। बारिश हो गई थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सारे कपड़े कपड़े गीले हो गए हमारे, और पीछे से दीदी आ रहे आराम आराम से चल के, और पीछे से नमन आ रहा है। बाकी हिंदू भैया वगैरह आ गए हैं तो। और मौसम का हालत देखो, धुंध ही धुंध है। ये देखो धुंध धुंध से बुरा हाल है। बस ये नाला पार हो गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो ये नाला, ये जो भी है ना, जितना भी दिक्कत इसी नाले में, बाकी इतना पानी बड़ा हुआ है, भगवान कैसे पार करेंगे हम लोग। ओह माय गॉड, ये तो मुश्किल हो गया। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग पानी कितना बड़ा है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, पता नहीं अब हम ये नाला कैसे क्रॉस करेंगे। तो देखते हैं कितना सारा पानी बढ़ गया है। दोस्तों सुबह इतना पानी नहीं था, तो अभी देखो कितना पानी बढ़ा हुआ है। माय गॉड, ये देख सकते हैं आप लोग, बारिश होने की वजह से इतना सारा पानी बढ़ गया है। उधर देखो, ये देखो कितना पानी। तो दोस्तों जो निकल के निकल के हम फंस गए। फंस गए ऊपर से, ऊपर से इंसान तो नहीं, इंसान नहीं नहीं, पुल से ऊपर से बह रहा ना पानी। पुल के ऊपर से बह रहा है पानी। चलो 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 करते हैं, फटाफट करते हैं, चलो फटाफट करते हैं। मुश्किल है पानी की क्रॉस करना, इतना इतना ज्यादा बड़ा खड़ा आ रहा है यहाँ से। पानी सुबह के टाइम से इतना पानी नहीं था। हमने क्रॉस कर लिया है फाइनली। ये बहुत डरावना था, हम बहुत डर गए थे। जैसे डर के मारे फटाफट से क्रॉस कर रहे हैं। देख सकते हैं हम लोग ऊपर से, देखो कैसे कितना पानी आ रहा है। देख सकते हैं हम लोग, थैंक गॉड पार कर लिया हमने। इतना बड़ा है दीदी पानी, सुबह नहीं था इतना पानी। और हमारे सर हमारे उनका वेट कर रहे हैं। डर लगा नमन को, बहुत डर लगा ना। नील कलर क्या है, कुछ मीन का मिट्टी है। कितना 10 मिनट वाले मोटो है। ऊपर से देखो पानी कैसा था, इसलिए डर लगा था। नहीं है ये, ओह माय गॉड, इट्स अ डबल ट्रिप टू स्पेन। दैट मां छह बार है, छह स्पेन थे ऐसे। और छोटे लगे उंगलियां सुन ना, फील्ड पानी कर कोई तो नाले की ओर तो हम चल सकते हैं। तो में बहुत ये रास्ता बहुत खराब है क्योंकि बारिश हुई है ना। तो ये सारी हमारी टीम है जो फाइनली हमने ये जो सबसे खतरनाक वाला पॉइंट था वो क्रॉस करके आ चुके हैं। और भोले बाबा जी के दर्शन भी बड़े अच्छे से हो गए। ये देखो, ये देख सकते हैं सारे। और अभी कुछ अभी आ रहे हैं थोड़े से। देखो ये देखो कैसे रास्ता है। और यहाँ से होके हम सुबह इधर से नीचे होके गए थे। ये देखो, और वो आगे का तो मैंने थोड़ा थोड़ा दिखाया है जैसे भी है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं गणेश पार्क के पास। वो नीचे जाके गणेश पार्क के देख सकते हैं आप लोग। किन्नौर
कैलाश की सबसे टफ कैलाश यात्रा, पंच कैलाश यात्राओं में से एक किन्नौर कैलाश यात्रा जो सबसे टफ है, उस यात्रा को करके आ रहे हैं हम। और सच में बहुत टफ था इस बार तो। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हो रहा है 2:15 बजे का। तो हम किन्नौर कैलाश यात्रा से वापस पहुंच गए हैं गणेश पार्क के पास। तो मैंने वैसे बीच बीच में आप लोग को बताया है, वीडियो बनाया है। तो रास्ता बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी, तो कोशिश तो मैंने ऐसी रही थी कि सब कुछ मैं आप लोग को पूरा पूरा दिखाऊँ, पर आप लोग समझ सकते हो बहुत रिस्की होता है ये सारी चीज़ें। तो मैंने से जितना बन पाया, जितना हो सका, वो सारा मैंने वीडियो में शूट किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम पहुंच गए गणेश पार्क में। गणेश पार्क का मैं एक बार यहाँ नीचे से दिखाती हूँ, और मेरी सारी टीम है वो आगे, मैं दिखाती हूँ उन लोगों को जा रही। मेरी सारी टीम अभी आगे से, वो देखो साथ में व्यू देख सकते हो। और ऊपर से आज मौसम इतना ख़राब रहा, अपनी दर्शन बहुत बढ़िया हो गए, क्योंकि मैं 7:45 तक पहुँच गई थी कैलाश पर। तो इस वजह से तो दर्शन तो भोले बाबा जी के बहुत ही बढ़िया हुआ। तो उसमें तो मुझे कुछ जो नहीं है, पर उसके बाद बारिश हुई, रास्ते में बहुत दिक्कत हुई। चलो कोई बात नहीं, सारी चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है, तो उसका कोई अफसोस नहीं है, इतने अच्छे से दर्शन हो गए। चलो यहाँ से देख सकते हैं गणेश पार्क का कुछ नज़ारा, इस प्रकार का नज़ारा है बना हुआ आजकल। और ये व्यू आ गया, सॉरी अब मुझसे कुछ भी निकल रहा है ठंड की वजह से। तो ये सामने आ गया धुंध, नहीं तो यहाँ से रिकाउंट पीओ भी दिख रहा था। और ये सारा बताओ मुझे, यहाँ पे हमारा फोटो सेशन चल रहा है, तो फिलहाल मैं एक बार फोटो सेशन के लिए खड़ी हो जाती हूँ। तो दोस्तों मैं बता रही थी कि यात्रा, नहीं दीदी आपको नहीं बोल रही हूँ, यात्रा हमारा अच्छे से रहा, सफल रहा, बिल्कुल बढ़िया वाला, दर्शन पूरे हो गए हमारे। तो बाकी यहाँ से नीचे का भी, तो मैंने पहला ब्लॉग जो डाला है, इससे पहले जो मैंने बताया था 2 पार्टों में डालूँगी ब्लॉग, तो पहला ब्लॉग मैं आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि इस ब्लॉग को आने से पहले वो यहाँ से नीचे वाला वो पहला ब्लॉग में आ जाएगा, तो पहला ब्लॉग में आप लोग देख चुके होंगे। तो फ्रेंड्स हालत इतनी ख़राब हो रखी है, तो हम जा रहे हैं घर की और हरीना जी ली, तो हम जा रहे हैं घर की और मेरे साथ हरीना। हालत इतनी खराब हो रखी है ना, भगवान बचाए अब घर पता नहीं कैसे पहुँचते। तो चलो चलते हैं, लास्ट बार एक बार मैं व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो इतना सुंदर व्यू है यहाँ से। तो चलो दोस्तों चल पड़ते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, टाटा दोस्तों, टाटा।